हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शेड कार्ड, कि हम शेड कार्ड किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो लॉरियल का हो, वो डिक्सन का हो, वो ब्रिमूट का हो, वो सिल्की का हो, वो कलर मैक्स का हो, वो फ्रीजिया का हो, या किसी भी ब्रांड का होता है, हर कंपनी के शेड कार्ड को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, चाहे वो क्यूने का हो, ठीक है। इंशाल्लाह फर्दर मैं आप लोगों को कलर कोडिंग्स भी बता दूंगी। मतलब कोडिंग्स क्या होती है, ये नंबर्स होते हैं जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, अंडर कोड्स और रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो ये वाले नंबर्स होते हैं। अब सिल्की जो अपने नंबर्स यूज करता है वो पॉइंट के साथ यूज करता है, ठीक है। क्यूने अपने नंबर स्लैश के साथ यूज करता है, ठीक। फर्दर मैं आपको बता दूंगी कौन सी कंपनी किस तरह से अपने कोडिंग्स को यूज करती है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो दूसरे ब्रांड्स के शेड कार्ड्स देखकर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के स्टार्ट के 10 कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 स्टार्ट के ये जो 10 कलर्स होते हैं, ये बेस कलर होते हैं, ये नेचुरल कलर होते हैं, ठीक है, और ये लेवल्स कहलाते हैं, सही है, किसी भी कंपनी के। और ये कलर्स जो है हमारे वाइट कवरेज में काम आते हैं, या फिर हमें अपना कलर लेवल 1 या 2 लेवल लिफ्ट करना हो, तो अगर जैसे मेरा बाल 3 या 4 लेवल का है और मुझे 8 लेवल तक जाना है, तो मैं 30 वॉल्यूम के साथ अपने बालों को इस लेवल तक ले जा सकती हूँ, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेवलपर का क्या यूज है, 3 to 4 लेवल तक यूज करता है। तो आज हम यहाँ पे ये भी सीख लेंगे साथ साथ, जैसे अगर मेरा बाल नेचुरल बाल 4 लेवल का है, ठीक है, और मुझे अपना बाल 6 लेवल का चाहिए, तो मैं कौन सा वॉल्यूम यूज करूंगी, मैं 20 वॉल्यूम यूज करूंगी, क्योंकि मुझे 1 लेवल ही लिफ्ट करना है, 1 से 2 लेवल लिफ्ट करना है, ठीक है, अगर मेरा बाल पतला और थिन है तो। लेकिन अगर मेरा बाल मोटा है, बहुत घना बाल है, बहुत जिद्दी बाल है, तो फिर मैं 30 वॉल्यूम के साथ अपने बालों को लिफ्ट करूंगी। मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग टू रेशो मैं देखूंगी कि उस कंपनी के कलर बॉक्स में क्या रेशो लिखा है, 1:1 का रेशो है, 1:2 का रेशो है, या 1:1.5 का रेशो है, उसके अकॉर्डिंग टू मैं डेवलपर ऐड करूंगी अपने कलर में और अपने बालों को लिफ्ट करूंगी, ठीक है जी। अब फर्दर आगे वही वीडियो में प्रैक्टिकल में पता चलेगा कि हमें लिफ्टिंग कैसे करनी है जब कलर मिक्सिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, स्टार्टिंग के जो 10 कलर्स होते हैं, ये हमारे हाँ जी, तो ये बेस कलर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कंपनीज अपने कलर के साथ साथ ये भी ख्याल रखती है लोगों का, कि बहुत सारे बाल इतने जिद्दी होते हैं वाइट होने के बाद, जब उनके पिगमेंट स्किल हो जाते खत्म हो जाते, तो हमारे बाल सफेद हो जाते। हमारे बाल वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बालों के पिगमेंट्स खत्म हो जाते, हमारे बालों से रेड येलो और ब्लू पिगमेंट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल सफेद हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी बहुत ख्याल रखती है अपने क्लाइंट्स का, अपने लोगों का, और वो ऐसे कलर भी बनाती है जिनके बाल बहुत जिद्दी, मतलब बहुत चमकते हुए वाइट हो जाते हैं, और वो उनके ऊपर ये कलर नहीं चढ़ते हैं, पीलापन आ जाता है, या शेडेड आ जाता है, या ट्रांसपेरेंट सा रिजल्ट आ जाता है, ट्रांसपेरेंट सा एक रिजल्ट आ जाता है, तो वो मजा नहीं देता है। तो कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट, अपनी जो कलर है उसको और मजीद इन्हेंस किया, मतलब उस कलर को, ठीक है। तो जिन कलर के साथ 0 आ जाता है, 0.0 आ जाएगा, दैट मीन्स उस कलर में ताकत ज्यादा है बालों को रंगने की, ठीक है, सफेद बालों को रंगने की ताकत ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके या मेरे बाल ही सफेद होते, मतलब यूरोप में भी बाल सफेद होते होंगे, अमेरिका में भी लोगों के बाल सफेद होते होंगे, तो 10.0 भी है कंपनी के पास, उनको भी तो अपने बाल कलर करने होंगे ना, क्योंकि उनका तो लेवल ही ये वाला है, ठीक है, तो वो भी तो अपने बाल व्हाइट कलर करेंगे ना, इसीलिए कंपनी ने 5 से लेके 10 तक के ये कलर बनाए। बट बहुत सारी कंपनीज है जो 1 से भी बनाती है, ठीक है, जैसे क्यूने है वो 1 लेवल बनाती है, फिर 2 आई थिंक उसके पास नहीं है, फिर 3 बनाती है, और क्यूने के साथ 0 नहीं है, क्यूने अपने कलर के साथ यूसी यूज करती है, जो इनके बहुत अल्ट्रा कवरेज कलर्स होते हैं वो इनके नेचुरल कलर के बाद आते हैं, ठीक है। तो जो कलर 0.0 के साथ आता है, दैट मीन्स उसमें उस कलर की ताकत ज्यादा है बालों को रंगने की, ओके, गॉट इट, समझ आया। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे जरूर बताना कि आपको 0.0 समझ आ गया है, ठीक है। जिस कलर के साथ 0.0 लगा होगा, दैट मीन्स उसके अंदर उसके पिगमेंट्स जो है, उस कलर के रिफ्लेक्शंस जो है बहुत ज्यादा है,
जिसकी वजह से वो सफेद बालों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, आगे फर्दर बताऊंगी। अब व्हाइट बाल, जब व्हाइट बाल का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि वो किस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने जितने भी ये वाले कलर्स बनाए, जैसे ये नीचे वाले कलर्स है, ये वाले कलर्स है, या दूसरे वाले उस तरफ वाले कलर्स है, ये सारे फैशन शेड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट वन है, दैट मीन्स इसके अंदर एश टोन है, इनमें बेस कलर के साथ एश टोन मिक्स किया गया है। ठीक है, कंपनी ने इन कलर के साथ एश टोन मिक्स कर दिया है, तो ये एश के टोन आ गए। अब देखो 10.0, ये 9.0 और आप 9.1 देखो, ये 9.0 के साथ कंपनी ने एश का रिफ्लेक्शन डाल दिया है। ठीक है, एश का रिफ्लेक्शन डाल दिया है तो ये कलर बन गया है। ठीक है, और अब इसी के बाद अगर हम नीचे आ जाते तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद डबल वन आ गया। अब अगेन डबल वन आ गया, दैट मीन्स इसके अंदर डबल वन आया है, तो एश का जो रिफ्लेक्शन है वो डबल हो गया है। ठीक, अब ये देखो 9.0, ठीक है 9.1 है ये, तो 9.1 में एश का रिफ्लेक्शन आ गया है, अब ये डबल वन आ गया है 9.1 में। ठीक है, देख रहे हो आप, डबल वन आ गया है, तो रिफ्लेक्शन भी ज्यादा डार्क हो गया है, ज्यादा ग्रेइश और स्मोकी की तरफ ये चला गया है। ठीक, समझ आ रहा है आपको, यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल वन आ गया है, दैट मीन्स इसके अंदर एश का रिफ्लेक्शन भी डबल हो गया है। ठीक है, अगर कोई आता है आपके पास बहुत ज्यादा एशी लुक चाहता है, तो आप प्री लाइटनिंग के बाद 9.11 यूज करोगे तो ये न्यूट्रलाइज भी करेगा, क्योंकि एश टोन न्यूट्रलाइज भी करता है और बालों को कलर भी देता है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जब हम एडवांस पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ आती जाएगी। ठीक है, अब ये वाले कलर्स हम देखते हैं, ये देखे, ये 6.7, 7.1, मतलब 7 का जो हमारा लेवल था, 7 का जो रिफ्लेक्शन था, सॉरी लेवल नहीं, पॉइंट वन तो हमारा एश टोन है, और जो 7 है हमारा वो है चेस्टनेट, मतलब ब्राउन, इसके अंदर ब्राउन और एश के रिफ्लेक्शन मौजूद है। ठीक है, इस वाले में, ठीक है, इसमें हमारे एश के और ब्राउन के रिफ्लेक्शन है, इसमें 7 पहले है, दैट मीन्स ब्राउन का रिफ्लेक्शन ज्यादा है और एश का रिफ्लेक्शन कम है। ठीक है, क्योंकि 1 बाद में है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखे, ये वाले कलर है, ये 0.3 के साथ है, मतलब ये बेस कलर है और इसमें 0.3 का रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स इसमें गोल्ड के रिफ्लेक्शन ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको, इसमें गोल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो कह रहा है मुझे भाई 8.3 का कलर चाहिए, मतलब मेरा बेस कलर 8 लेवल का हो और मेरा रिफ्लेक्शन गोल्ड का है, तो हम इसमें से कलर सेलेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के बालों के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ नीचे आ जाते तो ये देख लेते, इसमें 3.1 है, तो 3 का रिफ्लेक्शन भी है, 1 का रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन 3 पहले है तो इसमें गोल्ड का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, और 1 बाद में है तो इसमें एश का रिफ्लेक्शन कम है। ओके, ये चीजें ये आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, बार बार मेरी वीडियोस को देखोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। अब इसी तरह से सेम ये 5, 6, 7, 8 के लेवल्स है, और इसमें 3 और 4 का रिफ्लेक्शन है, तो 3 हमारा है गोल्ड और 4 हमारा है कॉपर। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पहले है तो गोल्ड का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, 4 बाद में है तो कॉपर का रिफ्लेक्शन कम है। ओके, ये चीजें है सारी। ठीक है, अब फर्दर इसी तरह देखो, ये बेस कलर है, इसमें 0.4 है, तो डेट मीन्स इसमें सिर्फ कॉपर के रिफ्लेक्शन मौजूद है। ये 0.35 है, ठीक है, तो 3 का हमारा गोल्ड का रिफ्लेक्शन है और 5 हमारा मोहाग्नी है, ये आपको याद रखना है, 5 हमारा मोहाग्नी है। सिल्की ब्रांड की बात करी, उस वक्त मैंने सिल्की का शेड कार्ड खुला है, बट शेड कार्ड आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है, आप लोगों को जब जिस कंपनी के साथ काम करना है आप उसके बेस कलर के नंबर्स देखोगे, आप उसके रिफ्लेक्शंस के अंडर कोड्स देखोगे कि उस कंपनी ने अपने रिफ्लेक्शंस को क्या अंडर कोड दिया हुआ है। ठीक है, और उसको दोनों को मिक्स करोगे और अपना कलर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसी तरह से ये आगे जाता है, ये सारे फैशन शेड है और कंपनी इसी तरह से बनाती है। ये देखिए, ये 5.53 के साथ है, ये 0.45 के साथ है, ये 0.74 के साथ है, सारी कंपनियों के फैशन शेड ऑलमोस्ट इसी तरह से होते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये वाली साइड हमारी नेचुरल कलर है, ये हमारा थोड़ा सा जिद्दी बालों वाला रंग है, जिसमें जो बहुत जिद्दी वाले उनके लिए है, और ये हमारे सारे जितने भी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे फैशन शेड है। ठीक है, अब हम बनाते हैं, कंपनीज जो है वो कुछ है ना स्पेशल कलर्स बनाती है। अब ये जो स्पेशल कलर्स है ना, ये हर कंपनी के अलग अलग होते हैं।
ठीक है, जैसे क्यूने में अगर हम जाते हैं तो उनकी 3000 वाली सीरीज, 2000 वाली सीरीज या 1000 वाली सीरीज, ये उनके स्पेशल कलर है। ठीक है, इसी तरह लॉरियल में भी हो गए, ब्रीमूड में भी हो गए, डिक्सन में भी हो गए, हर कंपनी के होते हैं। वो मैं फर्दर आप लोगों को एक एक वीडियो में बताऊंगी कि किस कंपनी के कौन कौन से स्पेशल ब्लॉन्ड्स होते हैं, स्पेशल कलर होते हैं। तो सिल्की के ये वाले जो है ये स्पेशल ब्लॉन्ड्स है, ठीक है, ये सिल्की के स्पेशल ब्लॉन्ड्स है, ठीक है। और ये 000 ये हर कंपनी में होता है, ये नेचुरल होता है। ये हमें जैसे अगर मेरा बाल बहुत जिद्दी है, अच्छा इसका यूज मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी 000 का, ठीक है, कि 000 का क्या यूज है। ये मैं बहुत यूज करती हूँ अपनी हाइलाइटिंग वगैरह में, ठीक है, कलर अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये कंपनी के स्पेशल कलर्स है, ये वाले और ये वाले तीन कलर, ठीक है। और ये कलर ये होते करेक्टर्स, ठीक है, और रिफ्लेक्शन। अगर किसी को, जैसे अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आ रहा है और मुझे कह रहा है कि कवल मुझे रेड कलर का कलर कराना है बालों में, लेकिन बहुत अच्छा वाला रेड हो जो नजर आए। अब कंपनी ने तो एक कलर बना दिया है, लेकिन मेरी क्लाइंट को रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। अब देखिए कंपनी के रेड कलर ये वाले, ठीक है, लेकिन एक क्लाइंट आके कह रही नहीं मुझे ब्लड रेड टाइप का कलर चाहिए, मुझे बहुत अच्छा वाला रेड चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, कि मैं इसी कंपनी का एक रिफ्लेक्शन उठाऊंगी और कुछ पॉइंट अकॉर्डिंग टू मतलब क्वांटिटी, मेरी ट्यूब की कितनी क्वांटिटी है और उसके हिसाब से मैं अपना रिफ्लेक्शन 3 ml या 4 ml तक उस अपने डेवलप मतलब अपने जो कलर का मिक्सर है उसमें डाल दूंगी, जिसकी वजह से मेरा कलर और इन्हेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम कलर करेक्टर भी कहते हैं, इन्हेंसर भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर हमारा कलर किल करने में काम आता है, मतलब अगर हमारे बालों में रेड का टोन आ जाए तो हम इससे अपने बालों का मतलब कलर को उसको किल कर देते हैं, इसको रेड टोन को किल कर सकते हैं। ब्लू कलर मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने, उसमें ऑरेंज कलर के पिगमेंट को किल करता है ये, अगर कट डाउन के बाद ऑरेंज कलर बाहर निकल के आता है तो मैं ब्लू कलर से न्यूट्रलाइज करती हूँ, ठीक है। ग्रीन से भी मैं न्यूट्रलाइज करती हूँ और पर्पल से भी, वॉयलेट भी न्यूट्रलाइज के काम आते हैं। ये तीन कलर ऐसे जो न्यूट्रलाइज के काम आते हैं, ये तीनों जो है इन्हेंसर के काम आते हैं। ये वाले कलर अगर किसी को कॉपर या ब्राउन का, कॉपर का पिगमेंट ज्यादा मतलब इन्हेंस चाहिए, कॉपर का बहुत अच्छा शेड चाहिए तो आप ये इन्हेंसर डाल दो। अगर किसी को गोल्ड में ज्यादा चाहिए तो आप ये वाला इन्हेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्हेंसर है, रिफ्लेक्शंस है, करेक्टर्स है, ठीक। ये स्पेशल ब्लॉन्ड्स है, कंपनी के स्पेशल कलर्स होते हैं जो कंपनी ने अपने बनाए हुए, सिल्की ब्रांड है और ये फैशन शेड है सारे, ठीक है। ये सब फैशन शेड है और ये मैं पढ़ने का तरीका आपको बता चुकी हूँ। और ये इनके बेस कलर्स है, ठीक है, ये वाले इनके बेस कलर्स है और नेचुरल कलर्स है, ओके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी और मैंने इस वीडियो में कुछ मिस नहीं किया होगा, और अगर मैंने इसमें कुछ मिस किया भी है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को फर्दर वीडियो में सारी नॉलेज देती रहूंगी इंशाल्लाह, ओके जी। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे भी आगे बढ़ने मिले। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।